तो आज मैं Vivo S1 Pro का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो मेरे पास वाइट कलर में अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं, 48 मेगापिक्सल कैमरा है और रैम 8 GB रैम है विथ स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। 4500 mAh बैटरी इसमें लगी हुई है और स्टोरेज की बात की जाए तो 128 GB रोम है, 128 GB स्टोरेज है। 8/128 फ़ोन है, ये आप देख सकते हैं, शाइनिंग फ़ोन है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया गया है। 8/128 है और प्लास्टिक बैक से बनाया गया है, प्लास्टिक फ्रेम है, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में है। तो ये आप देख सकते हैं, बैक साइड में हमें सिर्फ वीवो डिज़ाइन मिलता है, वीवो लोगो मिलता है, डिज़ाइनेड बाय मिलता है, ये आप देख सकते हैं। तो कैमरा वाइज फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यूजिंग वाइज भी बहुत बेस्ट है और गेमिंग वाइज भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। बैटरी की बात की जाए, 4500 mAh बैटरी है, 1800 वाट है। तो ये आप देख सकते हैं, फ़ोन का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में है। बॉडी की बात की जाए तो 159 डायमेंशन है बॉडी की और बिल्ड मतलब ग्लास बैक है और एल्युमिनियम फ्रेम से बनाया गया है। बैक जो है प्लास्टिक ग्लास है, ये आप देख सकते हैं। और डुअल स्पीकर हमें मिलते हैं विद टाइप सी चार्जिंग बेस मिलता है, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया गया फ़ोन है। अपर साइड में हमें हैंड फ्री मोड मिलता है, हैंड फ्री आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वेट की बात की जाए तो वेट जो है 186 ग्राम वेट है, जो कि लाइट वेट में बनाया गया फ़ोन है और बहुत फास्टेस्ट फ़ोन है। आप इसमें सिंगल सिम यूज़ कर सकते हैं, नैनो सिम भी यूज़ कर सकते हैं और हाइब्रिड डुअल सिम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में फ़ोन बनाया गया है। LTE आप इस पर इंजॉय कर सकते हैं और 48 मेगापिक्सल कैमरा है इसका मेन। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है फ़ोन का, S1 Pro का। डिस्प्ले टाइप जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसका। और अगर डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो 6.38 इंच डिस्प्ले है, जो कि 99.9 cm में हमें मिलता है। 83.4 स्क्रीन टू बॉडी रेडियो हमें इसमें मिलता है। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080x2340 पिक्सल है, जो कि बहुत हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। आप इस पर गेमिंग्स इंजॉय कर सकते हैं और 404 PPI डेंसिटी हमें इसमें मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ फ़ोन है। अगर आप गेमिंग वाइज यूज़ करें, कैमरा वाइज यूज़ करें या नॉर्मल वाइज यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट फ़ोन है। तो अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, OS एंड्रॉयड 9.0 है, फन टच है। चिप सीट की बात की जाए, क्वालकॉम SD स्नैपड्रैगन 665 चिप सीट इसमें लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर CPU की बात की जाए, ऑक्टा कोर 4X2GHz कायरो 260 गोल्ड इसमें लगा हुआ है, जो कि कायरो 260 सिल्वर है। तो फ़ोन CPU वाइज भी बहुत बेस्ट है। अगर GPU ग्राफिक्स कार्ड यूनिट की बात की जाए तो Adreno 610 इसमें लगा हुआ है और फ़ोन काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया गया है। बैटरी वाइज भी फ़ोन काफ़ी बेस्ट है, 4500 mAh बैटरी है विद 1800 वाट चार्जिंग। तो ये आप देख सकते हैं, 128 है फ़ोन मेरे पास जो है, 128 GB रोम इसमें आता है और 8 GB रैम इसमें आता है। तो ये आपने देख लिया। साउंड की बात हो तो लाउड स्पीकर हमें इसमें मिलते हैं, 3.5 जैक हमें इसमें मिलता है। वाईफाई 802 हमें मिलता है, जो कि बहुत फास्ट वाईफाई राउटर मतलब रिसीविंग ऑप्शन इसमें है, बहुत फास्ट है। ब्लूटूथ हमें 5.0 मिलता है। NFC हमें इसमें नहीं अवेलेबल है, लेकिन हाँ इसमें आप रेडियो FM रेडियो यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब मैंने फुल ब्राइटनेस में कर दिया और डार्क मोड भी मैंने हटा दिया। अब आप देख सकते हैं लाइट मोड में, तो ये अब लाइट मोड में आ गया, आ चुका है ब्राइट मोड में। तो आप देख सकते हैं, रिजोल्यूशन काफ़ी खूबसूरत रिजोल्यूशन है। टाइप सी चार्जिंग बेस हमें इसमें मिलती है। सेंसर की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें है, जो कि अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल हमें मिलता है, एक्सेलेरोमीटर मिलता है, प्रोमेट्री मिलता है, कॉम्पास हमें इसमें मिलता है। 4500 mAh बैटरी है, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी है। तो हमें टू कलर्स मिलते हैं, जो कि कैनाइट ब्लैक है और फैंसी स्काई है। अब जो मेरे पास है, ये फैंसी स्काई कलर में हमारे पास अवेलेबल है और बहुत खूबसूरत कंडीशन में। आप देख सकते हैं, मैं अभी फिंगरप्रिंट दिखाने जा रहा हूँ आपको कि इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट और स्मूथ है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने पासवर्ड दे दिया है। अब फिंगरप्रिंट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका फिंगरप्रिंट कितना ज़्यादा बेस्ट फिंगरप्रिंट है और फास्ट फिंगरप्रिंट है। तो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कुछ 4 to 5 फिंगरप्रिंट मैंने को डिलीट कर दिया। आप दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है, लाइट सा टच एंड फिंगरप्रिंट लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट फ़ोन है, 8x28 फ़ोन है और बहुत ज़्यादा फास्ट है। प्रो कैमरा हमें इसमें मिलते हैं।
तो ये देख सकते हैं, बस लगने वाला है, मिडल तो ले गया, अब साइड्स पे रह गया है, ये भी अभी लगने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लगने ही वाला है, बस फिंगरप्रिंट लग गया। अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट और कितना स्मूथ है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ये देख सकते हैं, जस्ट लाइट सा टच एंड ओपन। फिर से आप देख लें, जस्ट लाइट सा टच करना पड़ता है एंड फ़ोन फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट रिसीवर ये आप देख सकते हैं, सेंसर काफ़ी फास्ट है। तो फिंगरप्रिंट भी हो गया, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, स्मूथनेस आप खुद चेक कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है। अब कैमरे की तरफ आते हैं, मेन कैमरा जो फ़ोन का है 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, जो कि 1.8 वाइड है, PDF है। सेकेंड कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल है, जो कि 13 mm अल्ट्रा वाइड है। थर्ड वन कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल है, जो कि माक्रो है, 2.4 है। फोर्थ वन कैमरा जो है वो भी 2 मेगापिक्सल है, जो कि डीप कैमरा हमें इसमें मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, आप इस पर 10x तक जूम कर सकते हैं। कैमरा वाइज फ़ोन काफ़ी बेस्ट है, अच्छा फोटोग्राफी आप इस पर कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं 2x भी आप देख सकते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी आपको पोर्ट्रेट पे दिखाने जा रहा हूँ कि इसका पोर्ट्रेट मोड किस तरह, तो ये आप देख सकते हैं मैंने पोर्ट्रेट पे ला दिया। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड फुल ब्लर हो चुका है, नॉर्मली ब्लर है, ये आप देख सकते हैं। तो पोर्ट्रेट वाइज भी फ़ोन काफ़ी बेस्ट है, मैंने 2x पे भी प्रोटेक्ट अभी ऑन कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल का रिज़ल्ट। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर लिया है प्रोटेक्ट। अब आते हैं सेल्फ़ी कैमरा की तरफ, ये आप देख सकते हैं मैंने सेल्फ़ी कैमरा ऑन करी। इसका जो सेल्फ़ी कैमरा है 32 मेगापिक्सल सेल्फ़ी कैमरा, जो कि 26 mm वाइड है। HDR फंक्शन हमें इसमें मिलता है और 1080 पिक्सल 30 FPS तक आप इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैक भी और फ्रंट वीडियो और फ्रंट मेन कैमरे में भी और सेल्फ़ी कैमरे में भी। तो ये आपने देख लिया है, तो कैमरा वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है। मैंने ऑलरेडी पोर्ट्रेट ऑन किया था, ये अब नॉर्मल कैमरा मैंने ऑन कर दिया है। तो ये उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।